स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 4 जनवरी से 31 जनवरी 2019 तक चलने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर अंतर वार्ड प्रतियोगिता एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हेतु कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसमें प्रभारी नगर आयुक्त व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति जितेंद्र सैनी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व SDM सदर प्रथमेश कुमार, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, विनीता पाठक, SDM चौरी चौरा सहित नगर निगम के अधिकारी और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि जब हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा तो लोगों में शहर की एक अलग पहचान बनेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रभारी नगर आयुक्त व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि जनपद में स्वच्छता के लिए जनता में जागरूकता लाने के लिए और मेहनत करना होगा और लोगों को गीले एवं सूखे कूड़े के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे कि आमजन अपने घरों में ही गीले एवं सूखे कूड़े को अलग रखे। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण आरंभ होगा। अपने शहर को अच्छी रैंकिंग लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे कि जनपद अच्छे स्थान प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता को लेकर कार्य किया जा रहा है, हर घर में शौचालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में सफाई दफ्तर भी खोला जाएगा, जिससे कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम तक नहीं आना पड़ेगा। DM ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पहले स्वच्छ वार्ड कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। इस कंपटीशन में स्थान पाने वाले वार्ड को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप लोग भी आ जाइए सर। और आगे इधर उसमें जो मार्किंग होगी, जो उनकी स्वच्छता के संबंध में, गुणवत्ता के संबंध में, कचरापन प्रबंधन के संबंध में, साथ ही साथ लोगों से फीडबैक के आधार पर जो वार्ड प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, उसमें भी पुरस्कृत किया जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ विभिन्न वार्डों में, चाहे निजी शौचालय हो, सामुदायिक शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हो, इसकी उपलब्धता, इसकी रख रखाव के आधार पर भी उसमें जो है अंक दिए जाने का भी प्रावधान है। सामुदायिक शौचालय बनवा करके या निजी शौचालय से उनको भी आच्छादन करने की आवश्यकता है कि इसकी सक्रियता है जो है। इस क्षेत्र में कम से कम 200 निर्धारित है, उसमें अधिक से अधिक अंक प्रदत्त हो, कलेक्शन कर रहे हैं एक्सपोज से, उसको अलग अलग सेग्रीगेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं गीला सूखा अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उसको जब ले जा करके जब दूसरे जगह पे जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है वहाँ ले जा करके उसको किस तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं। इससे भी मार्किंग की बात है, ये 100 नंबर का जो है प्रावधान वो आपको जागरूक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर आप उस नगर निकाय का स्वच्छता के संबंध में जो नगर निकाय के जो लोग हैं उनकी फीडबैक क्या है, स्वच्छता के संबंध में चाहे साफ सफाई समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो उसको कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे निस्तारण कर रहे हैं, और शौचालय की स्थिति क्या है, कूड़ेदान कितने हैं वार्डों में, लोग उसमें कूड़ा सही तरीके से डाल रहे हैं कि डाल रहे हैं, और वार्डों की स्वच्छता क्या है, इसके संबंध में ऐसे विभिन्न प्रकार के घटक हैं। इस आधार पर जो है इसका ये सब मूल्यांकन होना है। 14 को भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, इसके पहले उतने जिस अभियान को चलाया जाना चाहिए पीछे नहीं चल पाए, इन्हीं कारणों को उसके लिए
लेकिन 2 अक्टूबर से जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाने की बात लाल किले से कहे थे तो लोग सोच रहे थे प्रधानमंत्री क्या बोल रहा। स्वच्छता हमारे भारत की संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति को दुनिया ने अपना लिया, हम पीछे चले हैं। स्वच्छ भारत जब तक नहीं होगा, हम भारत को नौजवानों से, भारत के बच्चों को निरोग नहीं बना सकते। जब देश स्वच्छ होगा, हमारा शहर स्वच्छ होगा, हमारे गांव स्वच्छ होंगे, तब जाकर के भारत सशक्त, सुंदर और स्वस्थ बनेगा। आज इसी के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई है, कर्मचारी जाते हैं, सफाई करते हैं, 1 घंटे के बाद मालूम होता है कि फिर कूड़ा वहां पर आ गया। तो 24 घंटा तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी निगम, कोई भी व्यक्ति सफाई सड़क की नहीं कर सकता, इसलिए हर आदमी को अवेयर होना पड़ेगा। मैं नगर निगम के अधिकारी हमारे अनुसार बहुत इस बारे में सक्रिय हैं और चाहते हैं कि गोरखपुर की रैंकिंग अच्छी आए, इसके लिए हर नागरिक को इनका सहयोग करना पड़ेगा, शहर के लिए त्याग करना पड़ेगा। मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आप अपने घर की सफाई करें, कूड़ा को अपने घर के डस्टबिन में रखें और निर्धारित समय पर उसे कूड़ेदान में डालें, और उसे डालने के बाद ही पहले सड़कों पर कूड़े को न फेंके। तो इसलिए हर व्यक्ति को नदी के प्रति, कूड़ा के प्रति और जो एयर है, एयर प्रदूषण, अभी देखा होगा, अभी वैज्ञानिकों का रिसर्च गोरखपुर में आया, पूरे शहर का वातावरण दूषित हो गया। खुले में शौच मुक्त करना है, मच्छर से रखना है, ये नारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5 साल से एक अभियान के तौर से चलाते आ रहे हैं। तो हम लोग पहले से अच्छा खासा सफलता भी पाए, अब एक तो 2-3 साल पहले पढ़ के देखेंगे गोरखपुर का स्थिति और अभी का स्थिति में काफ़ी फर्क आया है। यहाँ ग्रामीण इलाके में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हर घर में शौचालय देने के लिए बहुत सारे बजट इसके लिए अलग हुआ है। हम लोग यहाँ 3,300 गाँव में लगभग सारे घर पे शौचालय दे चुके हैं। 2012 का जो बेसलाइन सर्वे के हिसाब से हर घर में इस समय में शौचालय है। बीच में छूटा हुआ व्यक्ति का अभी अभियान के तौर से और 2-3 महीने हम लोग का 50,000 और शौचालय मिलने की उम्मीद है, उसी के हिसाब से कवर कर। यहाँ 7 नगर निकाय है और नगर पालिका है, और नगर निकाय भी हम लोग का खुले में शौच मुक्त हो गया है। यहाँ 70 वार्ड है, वहाँ वो भी खुले में शौच मुक्त हम लोग करा दिए, बट कुछ चीज कागज में है, कुछ चीज अभी तो जो मंशा है उस हिसाब से अमल में नहीं आया। साफ तौर पर शहर में देख सकते हैं, ताकि शहर का फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। आज भी देखें आप, 1-2 लाख परीक्षार्थी और इनके साथ के लोग आए हुए हैं शहर में। इन लोग कहीं ना कहीं उन लोग का ये बेसिक सुविधा होता है, जैसे शौचालय जाना है, नहाना है, रुकना है, ये सारे चीज के लिए इतने इक्विप नहीं किए हम लोग। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमने निवेदन किए, हम लोग का जगह जगह पे यूरिनल बनाना जरूरी है, जगह जगह पे और भी शौचालय की जरूरत पड़ता है। पिंक टॉयलेट खासतौर पर महिला के लिए अलग सुरक्षा सहित पिंक टॉयलेट का जरूरत है, फिर मोबाइल टॉयलेट का जरूरत है, उसको भी अभियान तौर से हम लोग लेंगे। इस सभा का मेन उद्देश्य यही है, भारत सरकार 2019 में जनवरी में शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण दोबारा प्रारंभ करने वाली है। पिछले बार हम लोग का रैंकिंग उतना अच्छा नहीं रहा, पहले से हम लोग काफी आगे बढ़े, बट ये पर्याप्त नहीं है, काफी और हम लोग आगे बढ़ने के लिए जरूरत है।
सातपुर का आप देखेंगे, गोरखपुर में एक भौगोलिक समस्या है, यहाँ मीन सी लेवल पे हम लोग केवल 78 मीटर ऊपर, यानी बरसात के समय में नदी का लेवल ऊपर हो जाता है, पानी हम लोग पंप करके डोमिनगढ़ इधर से पंप करके बाहर डालना पड़ता है ताकि नेचुरल फ्लो जो नदी से नीचे हो जाता है। हम लोग तो 3-4 महीने तो बरसात के समय में वो समस्या झेलना पड़ता, उसके बाद भी वो नाली बना हुआ है, नाला बना हुआ, वो उसी ढंग से नहीं बनी है ताकि वो समय से वो जाकर के कहीं एक जगह नुकसान हो जाए। हम लोग के पास फिलहाल बस केवल 2 ही SPP भी है, रामगढ़ ताल में लगी हुई है, 15 MLD का और 30 MLD का है, उसका क्षमता भी लगभग पूरा हो चुकी है, तो शहर का जो डिस्चार्ज है वो झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आगे अगले जो 2 साल में जो कितने जो कचरा खासतौर पर जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसी का हम लोग योजना बना करके जो करीब वहाँ तो आप देखे होंगे नंदानगर की तरफ से 80 किलोमीटर तो सीवरेज पाइपलाइन बना करके काम चलता है, अभी वो जनवरी में खत्म हो जाएगा काम, वो पुराने SPP में जो 15 MLD के SPP में जुड़ जाता है, और पीछे तारामंडल की तरफ से 30 MLD में आसपास जो कितने इलाका है उसमें भी नाली नालियाँ बना करके उस पर छोड़ दी, बट ये पर्याप्त नहीं है। दरअसल से हम लोग एक अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं, पेपर में पढ़े होंगे आपको, खासतौर पर यहाँ नगर निगम में साफ सफाई के लिए लगभग 4,000 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, बट मुश्किल से मौके पे 1,000-1,500 लोग ही मिलते हैं, बहुत लोग गायब हैं, उसको सख्ती से हम लोग अभी पालन करना चालू कर दिए, हम लोग सवेरे से सभी अधिकारी निकल करके हम लोग हाजिरी चेक करते हैं, धीरे धीरे उन लोगों की संख्या बढ़ रही है और अभी नियंत्रित हो जाएगा, लोगों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग चालू कराने वाले हैं ताकि जो डुप्लीकेशन ना हो जाए, बट इस पर 2-3 कमियाँ हैं हम लोग के साथ रूप में, केवल देखिए जो यहाँ करीबन 20 लाख जनसंख्या है उस पर 3,000-4,000 लोग कितने दिन साफ करते रहेंगे, जनता का आपस में भी जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। वैसे मेयर साहब ने बताया घर घर में जो कचरा इकट्ठा होता है पहले उन लोगों को बताना होता है कि गीला कचरा कौन सी चीज़ होता है, उसका कचरा कौन सी चीज़ होता है, किस चीज का आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, उर्वरक रूप से उसको बदल सकते हैं, किस चीज का कोई उपयोग नहीं है और किस चीज का रिसाइकल कर सकते हैं, ये बेसिक जानकारी हम लोग का जागरूकता रूप से उन लोगों को बताना होता है। घर घर कलेक्शन को हम लोग का कराना की जिम्मेदारी है, बट घर घर अलग करने की जिम्मेवारी घर वाले के होता है, यदि घर में एक डस्टबिन के जगह 2 डस्टबिन रख करके हर परिवार अपने कूड़ा का सूखा और गीला में अलग करके दे, उससे हम लोग का काम तो 90% आराम से हो जाता है, और जगह जो कहा मेयर साहब ने इंदौर गए थे वो जगह कहाँ कहाँ नंबर वन नंबर टू में जो भी राज्य में है और शहर में जो काम होता है खासतौर पर उन लोग इस पर सफलता पाए, घर में अच्छा खासा जागरूकता फैला करके घर से ही अलग कर देते 2 कूड़ा, तो एक नीली रंग का डब्बे होता है और हरा रंग का डब्बा होता है, जो रिसाइकल वेस्ट है उसका जो हरा रंग के डब्बा में डालते हैं, वैसे सब्जी का जो बचता हुआ चीज़ है, जो खाने के बचता हुआ चीज़ है, पेपर ऐसे सड़ने वाले चीज़ें उसका अलग डब्बा में डालते हैं, जो चीज़ें जैसे प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, थर्माकोल है इत्यादि, वो जो मान लीजिए जूता मोजा जो भी चीज़ है वो किसी यूज का नहीं है उसको अलग उन लोग ब्लू रंग का नीले रंग का डब्बा में डालते हैं, जो कूड़ा उठाने के समय में भी कूड़ा का जो ट्राली होता है उसमें 2 पार्टीशन होता है, एक तो सूखा कूड़ा का होता है, एक गीला कूड़ा का होता है, उसके बाद जो गाड़ी जाती है उसको जो ट्राली से कलेक्ट करने वाले उस पर भी पार्टीशन होता है, एक सूखा का है एक गीला का है, उसके बाद आकर के कहाँ गिरता है खासतौर पर बाढ़ में उन लोग व्यवस्था करते हैं, बाढ़ में ही गिरा देते हैं, गिरा के वहीं कहाँ गिरता है वहीं सूखा और गीला अलग अलग हो जाता है, जो गीला कचरा का एक छोटी सी मशीन से डाल करके छोटे छोटे टुकड़ा में काट देते हैं, उसके बाद जो पिट बना के रखता है वहाँ जो पिट टाइप का उसमें डाल देते हैं, 45 दिन में वो अच्छा खासा उर्वरक बन जाता है, उसको इतने डिमांड है जो घर में आसपास वाले अपने गार्डन के लिए ले जाते हैं और आसपास किसान ले आ करके आराम से ले जाते हैं, कहीं मुफ्त में मिल जाता है, कहीं तो हल्की 4-5 रुपये 10 रुपये किलो के दर से वो पिट देते हैं, और बाकी चीज जो कितने बचता है उसको समूह बना करके मान लीजिए तो मैं टूरिस्ट में जाता हूँ पूछता हूँ कचरा क्या है, जो बोतल है जो हम लोग के पास ये फेंकते हैं 1 किलो 20 रुपया का दाम चल रहा है, और जो पॉलिथीन है पॉलिथीन का 17 रुपये किलो चल रहा है, पेपर 8 रुपया से लेकर 10 रुपये के बीच में चल रहा है, मतलब एक परिवार आप सुबह सुबह देख सकते हैं बहुत आसाम वाले हैं बंगाली वाले हैं सुबह सुबह निकलते हैं परिवार सवेरे हम लोग से ज़्यादा जल्दी जग जाते हैं 4 बजे 5 बजे एक छोटी सी ट्राली निकल के निकल जाते हैं,
सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वो इतने बिल लेते हैं आराम से 400-500 रुपया का कमाई करते हैं। 15 दिन के अंदर हम लोग 70 वार्ड में दफ्तर खोल देंगे नगर निगम का, उसपे सफाई का शिकायत के अलावा छोटा मोटा जो भी समस्या है, जलकल का समस्या है और जो भी समस्या है, जो छोटी छोटी समस्या वहाँ हल कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, वहीं हल हो जाएगा। बाकी जो पड़ाव हर जगह हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पड़ाव बहुत जरूरी चीज होता है। पड़ाव का हम लोग जीरो वेस्टेज के रूप से बनाने चाहते हैं, केवल मामूली पड़ाव के रूप से नहीं, थोड़ा बड़ा एरिया में होगा तो सूखा गीला का अलग वहाँ छकवा देंगे, छोटी सी प्लांट लगा करके वहीं कंपोस्ट बनेगा हमारा। बाकी बचता हुआ जो कूड़ा है कि इंडस्ट्रियल से भी बात होगी और आराम से ले जाने के लिए तैयार है, अपने कंगन पर डालने के लिए उनको भी जरूरत है, या जूता का जो बचा हुआ है उसे यहाँ जूता कंपनी गिरा में है वो लेने के लिए तैयार है। बाकी जो बचता है जो चीज़ किसी लाइक नहीं, जैसे बैटरी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट है, उससे भी यहाँ की गारंट है, तमाम कंपनियाँ अपने फर्नेस में डालने के लिए आपने सहमति जताया, वो आपने गाली दे दिया करें। लेकिन हम लोग इतने काम करना होता है, जनता को इस अभियान में साथ जोड़ना होता है, तो कितने शहर और राज्य इस पर सफलता पाए, सब लोग जनता को साथ साथ ले आकर के चले, तब ये सफलता पाओ। और इसमें जो कानपुर के व्यापार मंडल वाले अच्छा खासा सहयोग किए हैं, और अपने CSR फंडिंग के रूप से उड़ादान का डब्बा दे देते हैं और किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी मदद कर देते हैं और अपने ही कूड़ा का अच्छा से निस्तारण कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप जो बाजार आपको सिनेमा जो रोड है, कुमार रोड, बैंक रोड है, इसी इलाके में देख सकते हैं बहुत सारे कूड़ा कचरा जो शाम को जमा हो जाता है एक तरफ से, उसको एक तो वहाँ का दुकानदार से मोटिवेट करके डब्बा वहाँ 2 डब्बा रख करके हम लोग कूड़ा वहाँ ही इकट्ठा करके निश्चित रूप से कलेक्ट कर लें, वो समस्या हल हो जाएगी। दूसरा चीज़ है यहाँ जो पानी के निकासी नहीं है, बरसात के समय में हम लोग कह रहे हैं अभी भी देख सकते हैं रुस्तमपुर है और कुछ इलाका में तो लगातार पानी जमा हो जाता है, उसको भी निकासी के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। जगह जगह पर यहाँ जो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में 2-3 शहर में बहुत अच्छा स्पेल हुआ है, खासतौर पर मैं मेरठ में भी जाकर स्वयं देखा था, मैं कानपुर में कार्यक्रम में किसी था, कानपुर में भी हम लोग देखा था, वहाँ तो हर वार्ड में SPP छोटी छोटी SPP बना हुआ होता है, 4,000 वर्ग मीटर से लेकर 5,000 वर्ग मीटर में आजकल तो अच्छा खासा छोटी सी SPP बन जाता है 2-3 मंजिल का, जो उसी इलाके का पानी गंदा पानी उसके नीचे जम जाता है, ऊपर पंप होकर के मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से वहीं से प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वहाँ से शुद्ध पानी उसी से निकल जाता है, आसपास का जो वहाँ छोटी छोटी पार्क होता है उस पर इस्तेमाल हो जाता है और आसपास के कंस्ट्रक्शन एजेंसी कंपनियाँ जो पानी के ले जाते हैं ताकि वो पीने लायक पानी हो जाता है प्रोसेसिंग, जो मैं बीमारी हो गया है दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बड़े बड़े शहर में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता है। ये मुख्य कारण है पॉलीथीन का यूज है। आज तो 1 महीने पहले एक सेमिनार हुई, हम लोग काक होटल में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट से डिस्कस किए, उसके बाद ये नतीजा निकल गया है पॉलीथीन थर्माकोली की मेजर वजह है, मुख्य कारण यही है। एक पॉलीथीन की वजह क्या होता है, कहाँ स्ट्रोक हो जाता है, पानी जमा होता है, जल जमा होता है, जल जमा इलाका में तो ये मच्छर प्रकोप का आराम से इससे अच्छा मौका मिलता नहीं, उसी से अच्छा खासा वो पनप देता है, तो ज़्यादा संख्या में बढ़ जाता है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कितने भी पॉलिंग करें, कितने भी स्प्रे करें, कितने भी कुछ भी करें, वो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाता है। मान लीजिए तो 24 घंटे आपका पॉलिंग चलेगा तब ये मर पाए, मरेगा कि नहीं तो अब भाग सकते हो, भगा सकते वहाँ जो कहाँ कितने प्रदेश में जो इसी डेंगी चिकनगुनिया सबको नियंत्रण कैसे किए, वो घर-घर टीम जाती है, घर-घर टीम जाकर चेक करती है यदि आपको पानी तो कहीं टपक तो नहीं रही है, आसपास कहीं जल भराव तो नहीं है और कहीं उनका कूड़ा कचरा घर में इकट्ठा तो नहीं है, घर तक अंदर घुस के देखते हैं। तो हम तो किस प्रदेश से आए, तमिलनाडु से, अभी वहाँ चिकनगुनिया का आउटब्रेक हुआ था पिछले महीने, वहाँ सरकार ने आदेश दिए घर घर जाकर के चेक किया है, सब लोग घर घर जाकर के चेक किए, उस पर कूड़ा कचरा है तो वहाँ तुरंत चालान काट के दे दिया और उनसे निस्तारण करवाया, तब वो बीमारी नियंत्रण में आई। ये हालत है हम लोग, इसलिए तो ये केवल हम लोग के लिए नहीं, तो हम लोग का जिंदगी का है, केवल बचाव का नहीं, हम लोग का जो आगे पीढ़ी का परिवार का, हम लोग का बाल बच्चे का, पोता पोती का बचाना भी हम लोग का जिम्मेदारी है, केवल एक पीढ़ी का जिम्मेदारी नहीं, आगे आने वाले पीढ़ी का भी जिम्मेदारी है, वो हम लोग को हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये अभियान के तौर से हम ले लें, ताकि ऐसे तो नहीं है तो हम लोग को ऊपर ठोक दिया है, ये हम लोग को जबरदस्ती कराया जा रहा है ऊपर की, इसके अलावा हम लोग को कोई विकल्प नहीं बचा है, अभी ये बच के रहना है, मतलब स्वास्थ्य फ्री रहना पड़ता है, ताकि ऐसे बीमारी फैल गया, आप जानते होंगे यही जेई तो मौका मिलता है तो BRDO में जा करके जेई वार्ड एक बार देख के आ जाइए, आपको पता चल जाता है बीमारी कितने खतरनाक।
गोरखपुर एक गंदे शहर के रूप से अभी सबको नजरिया में है, नजर में है, उसको बदल